हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है बुधवार, यानी कि मस्ती का दिन, छुट्टी का दिन। मगर अब कर क्या सकते हैं, छुट्टी है तो इनके दांत में दर्द है, तो कोई भी वो उठे ही लेट है, तो कह रहे मैं इसे उठा नहीं जा रहा, मेरे दर्द है। 8 बजे उठे थे तो जो दर्द की गोली होती है कैट्रोल, वो घोल के पानी के अंदर पीनी होती है, तो वो पी के सो गए थे। उसके बाद मैंने उठाया ही नहीं, मैं कहा ऐसे उठाओ तो फिर दर्द छिड़ जाएगा। तो बस बाकी राधा आई थी, काम वाम करके चली गई है सारा, तो बस मैं आलू मेथी बना रही हूँ। मैं दोपहर की जो रोटी खानी है आलू मेथी के साथ खाई। बस एक तरफ मैंने मेथी रखी हुई है, तो अभी मेथी रखी ही थी, तो अभी इसमें से देखो गाइस जो तेल है वो अलग हो रहा है। जैसे ही तेल अलग होगा, साथ में आलू धो के रखे हुए आलू बना देंगे। तो गोल्डी कह रहा है आपको रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, गोल्डी ने बनाई है पाव भाजी। ये पाव देके गया है, पाव में मक्खन है, ये हरी मिर्च है और साथ में थोड़ा सा नींबू है और छोटा सा नींबू का टुकड़ा है और साथ में पाव देके गया, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 12 पीस है। हाँ, इसमें 12 पीस है तो सबका ही हो जाएगा। दो दो से ऊपर खाई नहीं जाती, तो आलू मेथी अब बन रही है तो कोई बात नहीं, रात के काम आ जाएगी। तो अभी खाते हैं पाव भाजी। तो गाइज आप भी हमारे साथ खा लीजिए। गोल्डी को बहुत शौक है चीज़ें बनाने का। गाइज जिस दिन छुट्टी होती है वो कुछ ना कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करता ही रहता है। आपको पता है भाजी बनाने में भी टाइम लग जाता है, काफ़ी सब्जियां इकट्ठी करनी होती है, तो फिर उसको बनाओ करो टाइम तो लगता है। फिर हरी मिर्च को बनाओ, उसमें मसाला डाल, तो टाइम लगता है। पाव तो चलो रेडीमेड आ जाते हैं। तो बाउजिन कन्नू भी कह रहा था, पता नहीं चाचू ने क्या बनाया था ऊपर, याद नहीं है, तो कुछ नाम भी अलग अलग से होते हैं। तो कन्नू कह रहा बहुत टेस्टी बनाया था। तो अब कन्नू को, चीना, मैं इनको कह रही हूँ पाव भाजी आप भी खा लो। कह रहे हैं मुझे फुल्का ही बनाते, मेरे से ना दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, शायद ना खाया जाए। तो थोड़ा सा खाना होगा तो खा लेंगे, इनके लिए फुल्का बना लूँगी। मूँगी मसाला की दाल पड़ी है तो उसी के साथ खाऊंगा, बाकी मुझे कुछ नहीं खाना, थोड़े से चावल दे दी हूँ। तो एक तरफ से खाते खाते कहते हैं, जैसे मैं एक तरफ से खाता हूँ ना, इस तरफ से खा नहीं पा रहा, इस तरफ से खाता हूँ तो ये थक जाता है खाते खाते। तो कहते मुझे दर्द होती है अभी, एक ही तरफ से खाते रहो, क्योंकि जब रोटी खाओ तो कभी इधर से खाओ कभी इधर से खाओ, सही रहता है। वो एक ही तरफ से बार 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 डर लगता है कि इधर ना चली जाए रोटी, इधर ना चली जाए। तो ये डर डर के खा रहे हैं और बहुत कम खाना खा रहे हैं। आपको पता दांत का दर्द बहुत बुरा है गाइस, सारा पूरा हिस्सा यहाँ से दर्द होता है। कहते यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मेरा हिस्सा दर्द होता है। तो अभी राधा बता के गई है कि आंटियाँ फिटकरी लेके आओ, तो पीस दो फिटकरी को, आंटी को अंकल को बोलो कि दांत में 15-20 मिनट रखे, उसका कुल्ला कर लो। तो बस मैं अभी जाती हूँ तो फिटकरी लेके आती हूँ। मैंने कहा चलो पहले आलू मेथी बन जाए, साथ साथ सारे काम कर। दोपहर के 3 बजने वाले हैं, तो मैंने चीना को बोला है, मैं कहा चीना चल आज हम रजौरी गार्डन चलते हैं, थोड़ा सा काम करके आते हैं लहंगे वहंगे का, क्योंकि इसको चाहिए प्योर रेड कलर। वो कहती है जो कल इसकी फ्रेंड की शादी हुई थी ना पूजा के 2 दिन पहले, उसने भी मुझे उसका लहंगा दिखाया, उसका बिल्कुल प्योर रेड कलर था। तो पहले रेड कलर का ही लहंगा लेगी, फिर चूड़ा भी उस हिसाब से लेगी, उसी कलर के हिसाब से वो चूड़ा ले लेगी। तो इसको इसने सिर्फ रेड पे जाना है, इसने मेहरून पे, पिंक पे, किसी पे भी नहीं जाना, कहते मुझे रेड पे। तो आज जाके देखते हैं कौन सा पसंद आता है कौन सा नहीं, क्योंकि सबसे पहले अगर ये लहंगा नहीं लेगी तो फिर निखिल की भी ड्रेस नहीं बन पाएगी, क्योंकि लहंगे के हिसाब से ही उस कंट्रास्ट में ही निखिल की भी ड्रेस बनेगी। तो वही उसकी मम्मी कह रही है कि आप भाई अपना लहंगा देख लो। तो उन्होंने भी चीना को लेके जाना है तो कपड़े वगैरह लेने के लिए, देखो वो किस दिन जाते हैं, मगर हम अपना 2-3 दिन ये काम निपटना है तो करके आते हैं। लगता है इतनी बर्थडे का सारे भरे पड़े हैं कपड़े, ये सारे नीचे देख सारी बर्थडे, ये चीना लाई है ऊपर से ट्रैक सूट। अच्छा हाँ, कह रही ठंड लगती है स्कूटी पे, स्कूटी पे तो लगती है ठंड, फिर पूरी बाजू के ट्रैक सूट है जैसे अच्छे लगते हैं, तो ट्रैक सूट लेके आई है। मैं यही देख रही हूँ, मैं कहा वो बहुत गर्म है, वो क्यों ले आई? कहती कोई बात नहीं अभी गर्म है तो थोड़े दिन बाद ये भी काम आ जाएंगे। तो वही है, ये कपड़े उतार के लाई है ऊपर से, ये कपड़े ढेर है। हाँ तो ढेर है तो भाई ढेर होता है, क्या करेगा, पहले इसको अपना साइज चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जो कपड़े आ जाएंगे आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। कल कितने सारे इसने राधा को दे दिए, हाँ, बैग बहुत बड़ा बैग था। अच्छा भर के दे दिया, फिर जरूरत नहीं थी इसको। वो कह रही है कि जब गर्मी आएगी मेरी शादी हो चुकी होगी। अच्छा, तो वो कपड़े मैं क्यों रखूं जो कि मुझे नहीं पहनने, नहीं पहनने सही बात। और शादी के बाद देखो हर चीज नहीं पहनी जाती, गंदे गंदे कपड़े तो नहीं पहनेंगे ना, फिर फाइनल तो सारे नहीं लेगी, नहीं लेगी तो सारे, हाँ शादी बात तो पुराने गंदे वैसे ही बुरे लगते हैं। ये रौनक का है, ये रौनक आ गया, हाँ कपड़े उतारे होंगे ना, चल दे दियो रौनक को, हाँ मेरे पेट के ना, लपेट के रख दे, हाँ मम्मी आएगी उसके रात को पकड़ा दियो, अभी आ जाएगी उसकी माँ भी, आने वाली है, हाँ आ जाएगी उसकी माँ, चलो ठीक है, लपेट के रख दे पकड़ा दियो। और सारा सारा इतना ताम झाम चीना का है, सारा ताम झाम चीना का है,
नहीं मैं चीना के साथ मैं भी तो डालती हूँ कैप्सूल, दोनों डालती हूँ, चीना भी डालती हूँ, कभी वो डाल लेती कभी मैं, अब देखेगी इसको क्या आता है। मैंने इसको बोला मैं कि एक दो ट्रैक सूट तू ले ले उन्हें, हां ले ले, मैं कह रहा आज चल ले ले, कहते यार रजौरी जाना, देख रजौरी को पसंद आ गया तो वहां से ले, वहां से ले लियो, ठीक है ठीक। ये देखो गाइस ये बिल्कुल अंदर सबके सब छुप के बैठे हैं, ये देखो ये पूछी और ये हमारी कुकुरानी, अभी इतनी ठंड भी नहीं है कि इनको ठंड लग रही है। ये देखो गाइस जैसे ही लेट जाते हैं फटाफट कंबल में लेटते हैं, फटाफट लेट जाते हैं, इनके भी कंबल निकाल के लाची ना, इनके कंबल और कपड़े कपड़े लेके आ, हाँ ऊपर जाते हैं कल चढ़ते हैं। हाँ ये देखो वो तो वो देखो बड़ाइयाँ ले रही है। बस गाइस गली का एक कुत्ता भौंकता है तो सारे के सारे शुरू हो जाती है, हम भी तेरे भाई बहन है, हम भी तेरे भाई बहन है, हम भी तेरे साथ आ रहे हैं, मैं जितना मर्जी इनको लड़की बना लूं, मेरी लड़की मेरी लड़की, जैसी कुत्ता बाहर भौंकता है कुत्ते बन जाते हैं। गाइस बड़ा भौंकता, देख लो बाहर कुत्ता भौंक रहा है, दोनों जाके गली में कुत्ता बने हुए हैं, भौंकी जा रहे हैं, भौंकी जा रहे हैं, हम भी तेरे साथ है, हम भी तेरे साथ है। तो गाइस मैं जा रही हूँ चीना के साथ, बस चुप कर जा, मैंने बोल दिया गाइस को कि तू भौंक रही है, तो बस मैं जा रही हूँ चीना के साथ यहाँ पर रजौरी गार्डन तक, तो इसका सिलेक्शन करना ही पड़ेगा लहंगे का, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी आगे जाए। दिनों बाद चीना ने स्टार्ट किया, हो नहीं रही थी तो स्टार्ट की है, तो स्कूटी है पंचर, तो अब वो मैं पैदल चल रही हूँ, वो स्कूटी को पंचर लगवा रही है, यानी कि ये भी बड़ी प्रॉब्लम है स्कूटी की, पंचर लगवाएगी तो हम जा सकते हैं, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने कहा तू चल लगवा, मैं धीरे धीरे। स्कूटर पंचर की दो दुकानें हैं, एक हमारे घर के पास है, एक थोड़ी सी आगे है, दोनों की दोनों दुकानें बंद हैं। अब चीना घर गई है, अपनी स्कूटी खड़ी करेगी और पापा की स्कूटी लेके आएगी, मैं रास्ते में खड़ी हूँ, मैंने कहा मेरे से बार बार पैदल नहीं चला जाता, मैं उसकी स्कूटी में बैठी ही नहीं हूँ, तो बस अब चीना आ रही है, कह रही मम्मी आप रुको मैं अभी आ रही हूँ। चीना आ गई है आज चीना के साथ, आज बहुत परेशान हो गई है, चीना अभी घर गई है तो मैंने पापा को फ़ोन किया है, मैंने कहा स्कूटी अपनी दे दो और ये पंचर अपने पास रखो, कह रहे हैं तुम ले जाओ, मैंने कहा आपने करना क्या है, बुधवार है कोई जाना तो है नहीं, एवं फंसा दिया हमें, चल चले रजौरी गार्डन। रजौरी गार्डन पहुंचे भी नहीं है कि लहंगे की इसको चिंता नहीं है, इसको पहले देखो जय श्री दुर्गा यहाँ पर बैठ गई है जाके कि मुझे डोसा खाना है, मम्मी यहाँ का डोसा बहुत अच्छा है, लहंगा मिले ना मिले बट डोसा जरूर मिलना चाहिए, तो डोसे की है गाइस ये भी बहुत अच्छा है, अब खा के आपको बताते हैं कैसा है। चीना डोसा खाते खाते भी देख लो निकल सी अपनी बातों में लगी हुई है, मैं कहा देख लो डोसा खाते खाते भी आपसे बातों में लगी हुई है ये। ऑफिस में स्पेशल मसाला डोसा बनवाया है इसने और गलती से सांभर इस पर गिर गया है गाइस थोड़ा सा, तो मैं कोई बात नहीं खा ले, ये तो ढीला ढीला सा हो जाएगा। चीना वगैरह और चीना फ़ोन के साथ किससे, अच्छा बूमर एग बना रही है भैया, चलो बना ले, तो डोसा खा ले, डोसा ठंडा हो जाएगा, ये चटनी ले ले लाल वाली, हाँ चलो गाइस आप भी खा लो हमारे साथ, हाँ एक थम्सअप तो पहले ला के दो इसको, डोसा ला के दो ना, दो थम्सअप ला के दो, ठीक है ना, हाँ ज़्यादा कम हो गया वेट, चल जल्दी खाओ और लहंगे की तरफ चल सी, चलो आ गई है थम्सअप, क्या वो भारी लग रहा है, है? भारी लग रहा है, ये वही कलर है जो तूने गोलू की शादी में पहना था, ये कलर और ब्लैक, तू ब्लैक छोड़ दे, सब ब्लैक पहनते हैं, ये भी वाइन कलर बहुत अच्छा लग रहा है चीना, और ये जो इसकी ये जो आगे से इसकी आ रही है ना, ये जो आगे आ रहा है ये बहुत सुंदर लग रहा है, जब भी भैया के पास मुझे हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट ही मिलता है, हाँ गाइस ये देखो ये नीचे है, ये चीज बहुत सुंदर लग रही है, हमेशा ही डिफरेंट होते हैं आपस में, लहंगे वगैरह तो सब देख आए हैं हम, और कोको पुची का सामान देखने के लिए आए हैं कि कोको पुची के खाने के लिए, एक ये लिए हैं बिस्किट खाने के, थोड़े कलरफुल हैं तो ये खा लेंगे, ये तो खाते ही हैं ये वाले बिस्कुट, तो रोज़ का ही रूटीन है इनका, और ये स्टिक्स हैं इनकी, ये भी स्टिक्स खाते हैं, तो ये ले लेते, हाँ क्या हुआ, देखो मैं क्या लाया हूँ, देखो चीना आई, देखो कोको पुची के लिए क्या क्या लाई, पहले कौन आएगा बोलो, यस पूछे देख इनकी, पूछे पूछे पूछ देख, पूछ बोलो यस, ओए ओए कम कम ये, ये स्टिक लेके आए गाइस, हम लाए इनके लिए इस बार
और ये वाला बिस्कुट। पापा देखना ओवन बेक्ड वाले, बेक्ड वाला बेक्ड बिस्कुट है। अभी ना नए नए हैं, अभी नए नए हैं, इनको कुछ नहीं, नहीं, बात ही नहीं है। इनको पता क्या चाहिए? कैल्शियम बोन, चॉकलेट। ये क्यों नहीं खा रहे? अरे खाएंगे पापा, अभी ये ड्रामे, इनको अभी और चीजों की सीख चाहिए। ये बिल्कुल क्यों बोलते हैं? देखो चौकी चौकी कौन खाएगा मेरा पुत्रू। अच्छा बेगा, ठीक ठीक ठीक। उन्हें समझ ही, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही। चीना संभाल के पागल हो गए। वो देख, अच्छा ये चॉकलेट है, चॉकलेट है, चॉकलेट। देख लो उसने वो छोड़ दिया। वो देख, वो 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 देख, दे 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 यार जाओ अपना। नहीं नहीं वो आगे नहीं जाएगी पापा इस बार ना। और पता लोग पर ना पुडिंग चल रही है आजकल, पुडिंग चल रही है, पुडिंग। अच्छा देखो निकालो, ठीक है। ये बहुत चल रहे हैं। और ये मिल्की स्टिक्स पता नहीं क्या है, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। अभी इसको खाने के बाद ट्राई कराएंगे। ये भी देख, स्वीट है ये, इनका ये स्वीट है, ऐसे मतलब मीठा नहीं है इसमें, स्वीट है। पूरी दुकान भरी हुई है इन सामान से। अच्छा। जितनी हमारी दुकान नहीं होती उनसे ज्यादा बड़ी दुकान इनकी है। इतने कपड़े, इतने कपड़े, कुछ क्या करे। हाँ बड़ी बड़ी ढड़ियों का ना, काट काट के इसमें डालोगे। तो बात तो एक ही हो गई, बात तो एक ही हो गई। फिर हम भी तो लाए कैल्शियम बोन, दिखाते कुछ है, देते कुछ है। नहीं पापा है तो वही चीज है, वही है। अच्छे मैंने अब उनसे कटिंग की बात करी। और ये तो चलो बोन हम हमेशा ही देते हैं। चलो अभी बोन मत खोलियो फिर। और बाकी मैं आज पापा इस बार ना ये लेकर आई हूँ ग्रिल्ड वाला कुछ। इसमें देखो लिखा है विटामिन D3, कैल्शियम, विटामिन B1, सब कुछ है। हाँ सारी ताकत है, इंजेक्शन है ये। हाँ हाँ इंजेक्शन में जो ताकत होती है वही तो कहती है। देखो कैसे खावे ना वो, देखो वो खावे। बस अभी अभी हम घर पहुंचे हैं तो इनका स्कूटी लेके गए हैं। तो अभी अपनी स्कूटी लेके आप तैयार हो गए, कहाँ जा रहे हो? मैं आ रहा हूँ, दो मिनट लगा लो। क्या लेने जा रहे हो? क्या लेने जा रहे हो? मैं ये पाउच वगैरह देख रहा हूँ, पाउच ले आऊं तो। नहीं वो मैं ले आई हूँ, वो छोटे मिले हैं, बड़े नहीं मिले, ऑनलाइन बुक कर दिए। तो ये सामान तो आ गया है, तो ऑनलाइन बुक कर दिए, परसों ऑनलाइन आ जाएंगे। मैं कहा दो दिन के लिए इनके पाउच की, मैं 4-5 पैकेट ले आई हूँ। अच्छा मैंने डेजिंग की गोली लेने जाना था। हाँ दवाई लानी थी। डेजिंग गोली रात को खाओ ना, खाना खाने खाने वाले खाना तो डेजेस हो जाता है, तो मैं वो ले आता हूँ। हमें बोल देते हम रस्ते में ले आते। मैं ले आता हूँ, चलो ले आओ जाओ फिर। ज्यादा तो खाया नहीं आता, थोड़ा बहुत खाया था, कहता दाफी ऐसे दिक्कत हो आएगी, हो जाएगा। चलो फिटकरी भी तो राधा ने बोला था आपको कि लगाओ दांत में, तो फर्क पड़ा है? लगाई है, नहीं फर्क पड़ा इससे? हाँ फर्क पड़ा फिटकरी से। तो अभी और लगा लो। सुमन यार पहले पहले फिटकरी जो आती थी ना, हाँ। वो चोरस आती थी। हाँ अभी मैं फिटकरी लेने गया हूँ तो उसमें टुकड़े टुकड़े नहीं है, ये टुकड़ा दिए फिटकरी का। हाँ तो ऐसे ही आते होंगे, मुझे क्या पता है। इसको ऐसे थोड़ी ऐसे लगा लो, ऐसे लगा दिए। चलो ठीक है, आराम तो है उससे। हाँ ठीक है जाओ फिर। हाँ मुझे कुछ नहीं मंगाना, आप जो लाना आपने दवाई दवाई जो देख लेना। निसी प्लस का एक पत्ता ले आना। हाँ हाँ मेरे पास नहीं है। हाँ ले आना ठीक है। बस मैं अभी कह रही थी दो दिन पहले ही कि मशीन पड़ी हुई है बेकार है, हमें लेके उधर से इधर रख देते हैं सजावट के लिए, और धूल मिट्टी पड़ रही है इसको, तो कवर बना के रखूंगी तभी ठीक रहेगा। तो आज इन्होंने, इनको मैं बोल रही थी, मैं कहा बेकार इतने दिन से मशीन ले लेके, चारी चीना कन्नू ने पैसे लगा के मशीन ली कि चल फिर मेरे पापा भाई एक्सरसाइज कर ले, और आप बिल्कुल हफ्ते 15 दिन में एक बारी। अरे यार आज फ्री बैठा था ना, चलो मैं चलो कर ले। तो वाह, और नहीं दुकान से आने के बाद कह रहे थे आपको यहाँ पर गंडे भेजने होते हैं। गंडे नहीं भेजने होते मेरे को, कुंभे भेजने होते हैं। हाँ कुंभे भेजने होते हैं। अरे वो कोई काम होते है, कोई काम ना धंधा, कोई रोटी बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, क्या कर रहे हो पहले काम बताओ। एक बार का सामान लाना, कभी बच्चों को डाइजिन लेने गए थे खाली? नहीं नहीं डाइजिन तो चलो अभी आज की बात है, कल परसों कभी कोको पुची को रोटी दे, कभी कुछ दे, कभी सामान दे, कभी को खिला पिला, कई काम कई काम। कोको पुची को रोटी तब देते हो जब मैं कभी गोलू के घर कभी कहीं गई होती हूँ, आगे पीछे कोको पुची का तो ध्यान नहीं। स्नैक्स स्नैक्स तो देता हूँ ना। हाँ स्नैक्स देते गोलू के काम होते हैं। चीन अपना काम बोल जाती है, मेरा ये काम कर देना। गोलू अपना काम बोल देते, मेरा ये काम कर देना। दस बजने वाले हैं गाइस, हमारा प्रोग्राम आने वाला है,
बस अब ये और मैं, हम आने वाला कौन सा प्रोग्राम देखते हैं अभी? अनुपमा 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 तो उसके बाद झनक झनक, ये दो प्रोग्राम गाइज हम जरूर देखते हैं, बिल्कुल मिस नहीं करती। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं दो प्रोग्राम ना देखूँ और बीच में उठूँ घंटा, बिल्कुल मैं पूरे के पूरे, मेरी वो सीट है कोने पे, मैं वहीं बैठती हूँ। और ये बाल्टी भर के रख गई है चीना, अब ये कहाँ रखने हैं कपड़े मुझे खुद नहीं पता। तभी मशीन लगाए बैठ गया आराम से, दो घंटे बैठ गया, एक दो घंटे करो, एक घंटा तो आराम से देना, एक घंटा ही बैठ गया। टांग के पास वो देखो पीछे, उसको पता नहीं चीना ने कौन सी स्टिक ला के दे दी, हाथ मत लगाना, वो अपना बिजी है, वो अपना टाइम पास कर रही है, वो दूसरी बार अपना टाइम पास कर रही है। यहाँ शादियों के सीजन है, ढोल धमाके बज रहे हैं बाहर, देखो कितने ढोल है ना, शादियों के सीजन है। बस दोपहर को आलू मेथी की सब्जी भी बन गई थी, मगर हम सब ने क्या खा लिया था, पाव भाजी खा ली थी, हम भूल गई थी मत से, पाव भाजी खा ली थी। तो फिर भी कन्नू ने चीना ने तो एक एक रोटी खाई थी, तो आलू मेथी भी बनके बिल्कुल तैयार है जो अब रात को काम आएगी। गाइस आलू मेथी की सब्जी के उसको जो अच्छे से आलू को मैश कर दो और इसके परांठे बनाओ तो परांठे भी बहुत टेस्टी बनते हैं। मतलब आलू मेथी तो मतलब सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद है, गर्म होती है बाथू भी और आलू मेथी भी बहुत फ़ायदेमंद है। और मेरी, मैं ना जब स्कूल में पढ़ती थी ना तो मेरी एक सहेली थी विशाली, हाँ मेरी एक सहेली थी विशाली, तो जब भी वो रोज़ जब लंच लाती थी उसके लंच में हमेशा आलू मेथी होती थी हमेशा। मैं उसे ये पूछा करती थी कि मम्मी तेरी रोज़ आलू मेथी बनाती, कहती हमारे घर में सर्दियों में मोस्टली साग आलू मेथी और ये बाथू यही चीज़ें बनती हैं। तो रोज़ जब भी वो टिफ़िन खोलती थी आलू मेथी होती थी, अगले दिन फिर कभी साग होता था फिर आलू मेथी होती थी, या फिर मतलब कि सब्जी होती थी बाथू की, आलू बाथू की सब्जी थी तो यही होता था। आज मुझे उसकी याद आ गई, तो जब मैं हम इकट्ठे स्कूल पढ़ते थे, अब पता नहीं सारी फ्रेंड्स अलग अलग हो गई हैं, कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है। कन्नू कह रहा था मम्मी कि कमरे में बहुत ज़्यादा मच्छर है, बहुत ज़्यादा मच्छर है। तो वाकई कमरे में देखो आगे पीछे मच्छर घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं। अब ज़्यादा सर्दी आएगी तो ये मच्छर ख़त्म होंगे। तो कहता मम्मी ये वाली अगरबत्ती है, मैं अगरबत्ती लेके आई हूँ, कहता है दुकान से अगरबत्ती लेके आना। तो मैं भाई से पूछ रही थी अगरबत्ती दे दो, कहता 10 रुपये की है, मैं कहा एक, कहता हाँ एक। तो मैंने कहा कि फिर मुझे दो दे दो, तो देखा तो पैकेट है क्योंकि मैं कभी अगरबत्तियाँ लाई नहीं, तो इसमें 10 हैं यानी कि 1 रुपये की एक हो गई। फिर मैं सोचा 10 रुपये की एक है, मैंने कहा भाई एक ही पैकेट दे दो, अभी देखते हैं कन्नू को इस्तेमाल करता है नहीं, ऑल आउट भी जला दूंगी, ये भी जला देगा। और कहते हैं रैकेट को अभी मैं निकालती हूँ, उसको चार्जिंग में लगाती हूँ रैकेट को, तो तभी सही रहेगा और मच्छर फटाफट उसी रैकेट से ही मरेंगे, है ना, रैकेट से ही मरेंगे, ऐसे मरेंगे भी नहीं है। और तेरे को क्या हुआ है, क्या हुआ था तू को तेरी भी, तेरी कहाँ है स्टिक, तेरी उस कमरे में है, मैं अभी लेके आ रही हूँ, मैं अभी लेके आ रही हूँ, नहीं उस कमरे में है इसकी, देखो पूछी स्टिक आ रही है ना तो इसे घूर रही है। अच्छा, लड़ाई झगड़े करने के मूड में है, लड़ाई लड़ाई माफ करो ओ कुकी। आज का ब्लॉग गाइज यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अब बज गए हैं 12, तो बस 12 बजे अब सोने का टाइम हो गया है, बस नाइट सूट पहनती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, और कल भी चीना के लहंगे के लिए जाना है, आज कोई काम बना नहीं खास तो कल जाऊँगी। कल हमने रोनी जाना है, कोहाड़ जाना है, तो 2-2:30 बजे हम इनको, मैं इनको खाना खिला के तभी निकलूँगी ताकि फ्री रहूँ आराम से। चीना और मैं स्कूटी पर ही जाएंगे और फटाफट आना जाना करेंगे। तो बस मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। अगर हमारी इंस्टाग्राम की आईडी को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, और तरुण बसरा 9 के नाम से है। तो फेसबुक पे भी हमारे ब्लॉग्स आते हैं फैमिली चैनल के नाम से, अगर वहाँ भी आपने हमें फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी फॉलो कर लो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई सुबह के साथ।